हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये नाइट व्लॉग है इसलिए मैं आपको कमरे के अंदर रख रहा हूँ। तो ये स्टोर रूम था नानी का, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा यूटिलाइज करें इस कमरे का। तो बहुत छोटा सा कमरा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्टडी रूम टाइप बना लिया, जो कि कमरे में टेबल वगैरह रखे तो मैंने यहाँ रख लिया। तो यहाँ स्लिप में मैंने कॉपी किताब वगैरह मैंने सब कुछ यहाँ पर रख लिया है। तो आज मैं ट्यूशन भी नहीं गया था सुबह, आज सैटरडे है तो सैटरडे की छुट्टी तो है स्कूल की, पर ट्यूशन इसलिए नहीं गया क्योंकि कल भीग की पीठ है, इसलिए आज मतलब पूरा शरीर दुख रहा था, इसलिए मैं मतलब मन नहीं हो रहा था ट्यूशन जाने का, तो मैं गया नहीं। और सुबह से याद नहीं आया इसलिए अभी व्लॉग बना रहा हूँ। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप सीनियर स्टूडेंट होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर नाम तो सुना ही होगा। बिजली की लाइन यहाँ की कट रखी है इसलिए मैंने क्या कर रखा है कि जो ऐसी वायर्स आती है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ जोड़ के, यहाँ से यहाँ जोड़ के, तो यहाँ कनेक्शन दे रखा है इस वाले कमरे में। और गाइस, ये है मेरा टाइम टेबल, इसको मत ही देखो आप। और बाकी सब कुछ पहले यहाँ होना चाहिए था वैसे, लेकिन ये होल्डर भी खराब है इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है ये बल्ब। टीटो ने क्या हल कर दिया, पीछे पीछे से सब जगह से काट दी बंद। तो सीन कुछ ऐसा था कि कल प्राची जा रखी थी स्कूल और मैं अभी स्कूल जाने वाला था, मैंने कपड़े वगैरह सब रेडी मतलब जाने की देरी थी बस। तो उसके बाद हमारा अचानक सब प्लान बना, 15 मिनट बचे थे स्कूल जाने के लिए, हमें जाने लग गया था। तो मैं जो चल पीछे नहीं चल लेते, तो हम गए। तब सोचा नहीं था कि नरेंद्र सिंह नेगी सर से मुलाकात होगी, वो भी हो गई थी पहली बार। और मैं आपको प्राची को दिखा देता एक बार। तो गाइस ये देखो प्राची को पढ़ रही है, यहाँ पे नाना। Hey guys. क्या पढ़ रही है? मैथ। ये भी गाइस मैथ पढ़ रही है। कौन सा चैप्टर पढ़ रही है? मैं पढ़ रही हूँ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर पी है भी आगे बढ़ ले थोड़ा, कब से वही पढ़ रही है? कब से पढ़? अभी तक होमवर्क कर दी थी, इस वक्त से पढ़ रही हूँ ना। तो टीटू पता नहीं कहाँ है, एक बार ऊपर के कमरे में देख के आता हूँ, क्या पता वहीं होगा। अभी नानी वो नीचे आए थे तो क्या पता ऊपर ही छूट गया अकेला। तो गाइस आ चुका हूँ अंदर कमरे में, इसको देखो। और नहीं यही पढ़ते थे ना, तो हमारा वेट कर रहा था मेरी बेट गुची, मेरे टंटू टीटू को कब से नहीं देखा लोगों ने ना, सब्सक्राइबर ने कब से नहीं देखा। तो गाइस टीटू आजकल बहुत चंचल बन रहा, पता नहीं क्यों। चल टीटू नीचे जा रहा हूँ, आ जा नीचे, बंद कर दे। चल चलिए जरा, आपकी बॉल भी ला लेता मैं। गर्मी लग रही है क्या? ठंडे ठंडे माहौल में गाइस देखो, इसको इसको भी ठंड पसंद है। और पूरा थली सेन देखो, देखो मौसम भी आज एकदम क्लियर हो रखा था, कल तो बादल लग रखे थे खतरनाक वाले, बारिश भी हुई, क्या पता यहाँ नहीं हुई होगी। तो गाइस पीछे देख सकते हो आप, ये बल्ब ब्लिंक हो रहा है, तो उसको इग्नोर करो, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, फ्यूज होने की नौबत में होगा, तो इग्नोर करो गाइस इसे। और मैं टीटू के लिए भोंपू लाया था सुबह, तो टीटू मैं जब मैंने टीटू देखा मैंने पहले सोचा कि टीटू गर्दन हिलाएगा ही हिलाएगा, आज मैंने बचाया तो उसकी ऐसी साउंड है कि भाग गया और बैठ के नीचे छुप गया, वहां से ऐसे करके देखने लग गया। तो देखो इसकी मतलब बहुत चुपती है इसकी आवाज, ये देखो यहाँ एक्सटेंशन लगा रखा मैंने, तो एक्सटेंशन से ये निकाल देता हूँ नहीं तो आंखें खराब हो रही है। तो मैंने निकाल दिया है गाइस वो जो बल्ब का वो प्लग है, तो आई थिंक मैं नया बल्ब चेंज करूंगा क्योंकि ब्लिंक हो रहा बार बार, आंखें धब 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 करके आंखें थोड़ी दर्द हो रही है। टीटी गंची गंची, गाइस तो नानी और नानी के दोस्त कल पीठ से पहले चले गए थे हमसे, तो टीटू भी भाग गया था नानियों के साथ। तो पता क्या हुआ कि नानियों ने भगाया उसे टीटू को, तो टीटू ने क्या करा कि बदला निकाल दिया और जो सीट होती है ना गाड़ी की, टैक्सी की सीट होती है, उसको ऐसे फाड़ने में लग गया और एक जगह में फट गया था। टैक्सी वाला बोल रहा था कि इसके रुपये दो, तो बहुत मुश्किल से माना हो रुपये तो दिए नहीं। तो बाल हो रखे मेरे बड़े लेकिन काट नहीं सकते ना, आजकल शराब चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने डिनर कर लिया और आज डिनर में बना था आलू बड़े की सब्जी रोटी, मंडुए की रोटी और आलू की सब्जी, बड़ी की सब्जी और खाना मिला। खाना कुछ समझ नहीं आता गाइस। दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो, हमको बता दो कि क्या चाहते हो। तो गाइस अब बोर हो गए होंगे तो
तो मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट जो गोरिल्ला पाउडर डिजिटेक कंपनी का, तो इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल भी है, 360 डिग्री एंगल पे घूम जाता है, और प्लस आपको ये देखो ये जो जितने भी आपको ये क्या बोल सकते हैं इसके बॉल टाइप की, तो उसको हम कितना भी घुमा सकते हैं, मतलब हर बॉल को घुमा सकते हैं, सबके फ्लेक्सिबल है, तो बहुत अच्छा है ऐसे पकड़ने में, फीलिंग बहुत अच्छी आती है पकड़ने की। चाय तो मैं पीता नहीं इसलिए कभी कभार कॉफ़ी पी ही लेता हूँ, तो थोड़ी सी कॉफ़ी बना रखी थी तो उसको थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर दूंगा, और हो सके तो अगर नेट अच्छा चलेगा तो मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा रात का टाइम में, तो आप अभी देख लोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को ऑल पर क्या बोलते उसके वीडियोस को शेयर करते रहना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, प्लस मेरे वालों को देखते रहना, और कमेंट्स भी करना है क्यों गाइस, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम आते हैं आपके। और चलो आज के लिए इतना था, तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए फन के साथ, और करेंगे कुछ एंजॉयमेंट चीज, तो चलो बाय।